नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, दीपक चहर ने जो तूफानी पारी खेली है ना, यकीन मानिए ना सिर्फ इस पारी ने हमारा ही दिल जीता है बल्कि पाकिस्तान में भी इस पारी की खूब चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना जो, वो इन दिनों दोस्तों उनके हालात अच्छे चल नहीं रहे हैं और देखने को मिला है कि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को बहुत बुरी तरह से हराया है और ऐसे में दीपक चहर ने एक ऐसी तूफानी पारी खेली है जो पाकिस्तानी क्रिकेटरों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है और इसी वजह से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज को दीपक चहर से सीख लेनी चाहिए। भारत ने मंगलवार को दूसरे वनडे में श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। भारत के लिए दीपक चहर ने मैच विनिंग पारी खेली है। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया दीपक चहर की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित दिखे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को नसीहत दी है कि उन्हें दीपक चहर से सीखना चाहिए कि किस तरह से टीम के लिए खेलते हैं, किस तरह से गेंदबाजी कराते हैं वक्त आने पर और किस तरह से वक्त आने पर एक गेंदबाज भी टीम को जिता सकता है अपने बल्लेबाजी के दम पर। 276 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय भारत ने 193 रनों पर ही 7 विकेट खो दिए थे और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम किसी भी तरह से आगे बाकी बचे हुए 83 रन नहीं बना पाएगी, क्योंकि 7 विकेट खोने के बाद 83 रन बनाना वो भी गेंदबाज बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद चहर ने भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर टीम को वो जीत दिलाई कि जिसका जश्न आज सभी भारतीय मना रहे हैं। चहर ने नाबाद 69 रन बनाए। अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए ताजा वीडियो में दानिश कनेरिया ने दीपक चहर की तारीफ करते हुए कहा, दीपक चहर को फुल क्रेडिट, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को उनसे सीख लेनी चाहिए। दीपक चहर गेम को आखिरी तक ले गए, वो विकेट पर खड़े रहे, उन्होंने चतुराई से स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बाउंड्री भी लगाई, जिसकी वजह से टीम इंडिया इस मैच को जीत सकी। तो ये बहुत समझदारी का सूझबूझ का दोस्तों दीपक चहर ने दिखाया है कि उनके अंदर कितनी सूझबूझ है और इसी वजह से पाकिस्तान में भी आज दीपक चहर की जमकर तारीफ हो रही है। तो आपको दीपक चहर की ये पारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।